गाइस, तो पिछले हफ्ते हमने हमारे आंवला सीजन को स्टार्ट किया था और आज फिर एक बार मैं आंवला से रिलेटेड वीडियो लेकर आई हूँ। और जो है आंवला हेयर ऑयल की बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके हेयर्स के लिए, या आपके हेयर्स को ग्रो करेगी, सारे हेयर्स के प्रॉब्लम को दूर करेगी। एंड हमें इसे कैसे बनाना है, क्यों बनाना है और कब बनाना है, वो सारी डिटेल्स मैं आपको दूंगी। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए देखते हैं वीडियो को। तो गाइस, यहाँ पर मैंने 10 से 11 आंवले लिए हैं और इसे मैंने वॉश कर लिया और इसका पानी एक कपड़े से मैं अच्छे से सोक कर रही हूँ। एंड ये आंवला बिल्कुल फ्रेश है, अभी अभी मैंने पेड़ से इसे उतारा है, बिल्कुल फ्रेश आंवला। इसे देख कर ही आपको लग रहा होगा कि ये कितना फ्रेश है। और चलिए अब हम इसका नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। सो सेकेंड स्टेप है कि हमें इसे ग्रेट करना है किसी भी ग्रेटर से। आप चाहे तो इसे मिक्सी में भी चला सकते हैं, पर मिक्सी में चलाने से इसका पानी अलग हो जाता है और बुरादा अलग हो जाता है। तो इसे ग्रेट कीजिए ताकि उसमें जूस भी रहे और पार्टिकल्स भी रहे। इस तरह की सीट को हम अलग कर देंगे, हमें सिर्फ ऊपर का पोर्शन चाहिए। सो बहुत टाइम आपको कहा जाता है कि इसके पीसेस कर दीजिए। सो पीसेस थोड़े से मोटे होते हैं तो वो उससे एब्जॉर्ब होने में थोड़ा टाइम लगता है, पर इसे जब हम ग्रेट करेंगे तो ये जल्दी एब्जॉर्ब भी हो जाएगा और बहुत ही बढ़िया ऑयल भी हमारा रेडी हो जाएगा। ऑयल में इसका फ्लेवर और कलर जल्दी चढ़ जाएंगे। सो ग्रेट करने का सिर्फ यही एक इम्पॉर्टेंट रीज़न था। सो इसे मैंने रेडी कर लिया है, अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। सो स्टेप नंबर 3, इसकी जो भी कढ़ाई, कुकर, पतीला आप ले, वो थिक लेयर वाला और फ्लैट सरफेस वाला होना चाहिए। थिक लेयर वाला इसलिए होना चाहिए क्योंकि ऑयल नीचे तले पे लगे नहीं, इसलिए। सो अब मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ। कोकोनट ऑयल हमें लेना है, प्योर कोकोनट ऑयल यहाँ पर मैंने लिया है 2 कप। इसमें किसी भी टाइप का इसेंस ऐड नहीं किया गया, इसमें किसी भी टाइप का कलर ऐड नहीं किया गया, ये इसका ओरिजिनल कलर है और आपको यही लेना है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपका जो ऑयल है कोकोनट का वो ओरिजिनल है या नहीं, तो बस पैकेट के पीछे आप लोग चेक कर सकते हैं कि इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं, आपका काम इजी हो जाएगा। अब जो हमने आंवला को कद्दूकस कर लिया था, ग्रेट कर लिया था, वो हम इसमें डाल देंगे। तो 1 कप मैंने पहले डाला और ये 1 दूसरा कप, तो यानी कि जितना ऑयल उतना ही आंवले का बुरादा मैंने यहाँ पर डाला है। इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए, यानी कि ये जो आंवला का बुरादा है इसे ऑयल में डिप कर लीजिए और उसके बाद ही हम इसे गैस पे रखेंगे। सो मैंने इसे अभी गैस पे रख दिया है हाई फ्लेम पर पकाने के लिए। सो गैस की फ्लेम बिल्कुल हाई है और इसे चलाते हुए हमें पकाना है, गर्म करना है अच्छे से। और इसमें अच्छे से उबाल भी आ रही है, इसमें अच्छे से बबल्स भी आ रहे हैं, तो हमें इसे जिस तरह हम सब्ज़ी पकाते हैं बिल्कुल उसी तरह से पकाना है। और इसे कंटिन्यूसली चलाते हुए ही हमें इसे पकाना है और इस बात का ध्यान देना है कि ये तले पे लगे नहीं, क्योंकि अगर एक बार ये तले पे लग गया तो क्या हो जाएगा, इसमें जलने की स्मेल आएगी। ये जो ऑयल रहेगा इससे जलने की स्मेल आएगी और ये ज़्यादा दिन तक ठीक से नहीं रहेगा, यानी एक तो ख़राब हो जाएगा, बदबू आने लगेगी। सो छोटी छोटी बातें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहती है। सो मैं इसे कब से चला रही थी कंटिन्यू, आधा घंटा हो चुका है मैं इसे चला रही हूँ और फाइनली जो कलर मुझे चाहिए था, जो टेक्सचर मुझे चाहिए था, वो मुझे ये मिल गया है। बस मैं इसे ढक कर के रखूँगी 3 से 4 घंटे ताकि वो अच्छे से मॉइस्ट हो जाए। सो इसे ढक कर के रखा और देखते हैं 3 से 4 घंटे बाद क्या होता है। OMG, ये तो पूरा कलर ही चेंज हो गया, यानी कि पूरा मॉइस्ट इसमें अच्छे से मिक्स हो चुका है। सो ये कलर जो है ना, इसे कोई डरने की बात नहीं है, यही कलर हमें चाहिए होता है। अब हमें क्या करना है, एक बाउल के ऊपर एक स्मूथ चुनरी या फिर कपड़ा आपको इस पे रख देना है और अब हम इसे छानेंगे जिस तरह हम पनीर को पानी से अलग करते हैं, दही को पानी से अलग करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से
हमें पार्टिकल्स को ऑयल से अलग करना है। इसमें कोई सीखने वाली बात नहीं है, बस इसको इस तरह पकड़ना है और स्क्वीज़ कर लेना है। जितना हो सके उतना तेल हमें इससे अलग करना है। आप लोग नीचे देख रहे होंगे, ऑयल का कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है, यानी कि इसमें आंवला का जो फ्लेवर है वो आ चुका है। अब हम इसे एक और बार छानेंगे, क्योंकि हम इसे एक साल तक स्टोर करने वाले हैं, तो इसमें कोई भी पार्टिकल्स ना रहे इस बात का हमें ध्यान देना है। और बस हमारा हेयर ऑयल रेडी है। आपको इसे हफ्ते में 2 बार लगाना है। बहुत ही बेनिफिशियल है आपके हेयर्स के लिए, हेयर ग्रोथ के लिए। सो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। बहुत ही सिंपली मैं आपके सामने ये वीडियो प्रेजेंट कर रही हूँ। सो प्लीज़ 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 लाइक कर दीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक नए आंवला रेसिपी के साथ हम जल्द ही मिलेंगे।